हर स्तर पर घोर लापरवाही का यह मामला है, बदहाल व्यवस्था का एक प्रत्यक्ष उदाहरण भी कह सकते हैं, क्योंकि रेप का आरोपी कैब ड्राइवर स्वभाव से ही अपराधी था, लेकिन भरोसे की जगह पर रखे जाने से पहले उसके अतीत की, उसके इतिहास की किसी तरह की कोई जांच नहीं हुई। सलाखों के पीछे पहुंचा दिल्ली कैब रेप कांड का आरोपी शिव कुमार यादव स्वभाव से अपराधी है। मूल रूप से यूपी के मैनपुरी जिले के रामनगर गांव के रहने वाले शिव कुमार यादव के खिलाफ आज से लगभग 11 साल पहले आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। 2003 में उसके खिलाफ छेड़छाड़, चैन स्नेचिंग समेत तमाम मामले दर्ज किए गए थे, उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। और इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री में 3 तो आईपीसी के अंतर्गत मुकदमे कायम है और 3 प्रिवेंटिव एक्शन में है। सबसे पहले 2003 में 354-323 का मुकदमा थाना इलाहाबाद में कायम हुआ, जिसमें गिरफ्तार हुआ, इसमें चार्जशीट लगी। इस बात 2006 में 25 आरंभ सेक्ट में इसके खिलाफ मुकदमा किसनी में कायम हुआ, जिसमें गिरफ्तार हुआ, इसमें चार्जशीट लगी। 2013 में 394 और 376 का मुकदमा इसके खिलाफ कायम हुआ थाना इलाहाबाद में, उसमें गिरफ्तार हुआ, इसमें चार्जशीट लगी है। इसमें शिव कुमार एक अपराध से छूटता तो दूसरा अपराध कर बैठता, यहाँ तक कि उसके खिलाफ गुंडा एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत भी मामले दर्ज किए गए थे। लगभग एक साल पहले शिव कुमार मैनपुरी से दिल्ली आ गया था। स्थान तो बदल गया लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। एक साल से अपने घर में रहता था, यहाँ कहीं दिल्ली में जानकारी नहीं थी कहाँ रहता है। अभी पकड़ा गया तो मालूम है कि दिल्ली में गाड़ी चला रहा था। दिल्ली में भी ये शिव कुमार की दूसरी वारदात है। इससे पहले उसने गुड़गांव से लौटती एक बार डांसर को भी अपना शिकार बनाया था। उस मामले में वो जेल भी गया था लेकिन बाद में जांच की खामियों के चलते छूट गया था। अगर मौजूदा काम पर उसको रखे जाने से पहले उसके अतीत की जांच कराई गई होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। जाहिर है रेप के इस मामले में सिर्फ शिव कुमार ही दोषी नहीं है, बल्कि वो व्यवस्था भी कम जिम्मेदार नहीं है जिसमें शिव कुमार जैसे अपराधी शराफत का चोला ओढ़कर आजाद घूमते हैं। समय के लिए मैनपुरी से विजय मेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।